18 फरवरी के दिन विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आपका एक टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और आपको बता दें कि यह आपका एक ऑफिशियल सेट है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बता दें आपको कि 80 नंबर का आपका परीक्षा होता है और ये आपका मॉडल सेट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही ना, बहुत बढ़िया। जल्दी से लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखने की क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो वह धातु कहे जाते हैं बाबू, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है बाबू, तो CH4 होता है वह सहसंयोजक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें का सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। धमाल मचाने वाला आपका यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है, मतलब कितने कैरेट का होता है। देखिए आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है और ऐसे शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो ध्यान देंगे, अगर केवल आभूषण बनाने के लिए बात करता है तो 22 कैरेट पे टिक करेंगे और अगर शुद्ध सोना की बात करता है तब आपको 24 कैरेट पे टिक करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट तत्व जो है कौन सा है, तो वह आर्गन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कांसा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका बी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन तैयारी आपको इसी चैनल पे आपको मिलेगी, कहीं भी मिलने वाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 into half H2O होता है, कितना होता है CaSO4 into half H2O होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, और हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब अगर आप नहीं खरीदे मार्केट से खरीद लीजिएगा, मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लोड़ बनाते हैं। आप सभी को बताया क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करते हैं वो लोड़ बनाते हैं, यानी कि वह उदासीन कर देते हैं। जब भी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वह उदासीन हो जाते हैं और लोड़ का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वह CO2 और H2O और ऊर्जा है। क्या है, CO2 H2O और ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया वह डी नंबर होगा, ये ए नंबर नहीं होगा, ये आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर होगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, कितना धमाल मचाने वाला प्रश्न है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न के राम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न की, दांत की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो दांत की ऊपरी जो परत होता है उसे हम लोग कहते हैं इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि फटाफट हम लोग करेंगे, समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपके पास समय काफी ही कम है यार, है ना। चलिए प्रश्न कह रहा है कि बाबू, प्रश्न है कि मानव आहार नाल का लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी हाथ होता है। जो मानव जो होता है उसका आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है छोटी हाथ। देखिए नाम छोटा है लेकिन होता है बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न, अद्भुत प्रश्न है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण जो होते हैं वह पराकोष के अंदर बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो बाबू चालनी नलिकाएं याद करके रखिएगा कि फ्लोएम में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा, जाइलम में नहीं फ्लोएम में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, प्रश्न अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो लगभग 120 दिन तक होती है। कितनी होती है, 120 दिन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, चलिए ये रहा अगला नंबर प्रश्न हम सभी का, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। कौन होती है, तो न्यूरॉन होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो क्या दिया गया है सी नंबर में बिल्कुल ही राइट उत्तर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको एकदम धमाल मचाना इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न ये रहा, अंडाणु निषेचित होता है बाबू, तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। कहां होता है,
फिलोपियन नलिका में निषेचित होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, फिलोपियन नलिका में होती है। कहां पे, फिलोपियन नलिका में होती है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न की अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि 1 MA जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो 10^-3 एम्पीयर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का जो उपयोग होता है वह भारी वाहनों में किया जाता है, रेल के इंजनों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और इसी तरह की कमाल प्रश्न पाने के लिए जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो नहीं मिलेगा। प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे आप लोग, फटाफट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित करता है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। क्वेश्चन है कि सौर सेल जो होता है वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में वो कर देता है, किसमें कर देता है, वो विद्युत ऊर्जा में कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोना की परमाणु होती है 79 होती है, यानी कि 79 होती है, कितनी होती है 79 होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न क्या है राम सभी का, बहुत बढ़िया प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो देखिए अवक्षेपण जो है वह एक ये आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, देखिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, तो वो होती है 2, कितनी होती है 2 होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, कितना होता है 5.6 से कम होता है, काफी बच्चे 5.6 देते हैं तो जो कि गलत है, 5.6 से कम होता है तभी अम्लीय वर्षा होती है। चलिए जिससे के कारण काफी जो पुरानी इमारतें हैं बिल्डिंगे हैं उस पर प्रभावित कर रही है उसे, और अम्लीय वर्षा खतरनाक भी होती है आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए अगला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कि चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और इसे फॉर्मलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फॉर्मलिक और जो अम्ल होता है ये इसका दूसरा नाम है, अगर आपका फॉर्मलिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल दोनों देता है तो उसमें से आपका एक कोई होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, तो देखिए वनस्पति तेलों में जो है वह लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, जो ब्यूटेन के जो है लगभग 2 समावयवी संभव होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया इसमें का बी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, अभी तक जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिए और लगातार आप क्लास लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बुक लिख चुके हैं, आपके द्वारा आपके लिए हम वेबसाइट बनवा चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा, और तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार जो होता है वह क्या है, वह है परमाणु द्रव्यमान, क्या है परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है, कितना होता है 1:3 होता है, यानी कि 1:3 होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, हम फटाफट करेंगे क्योंकि आपके समय काफी कम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, तो देखिए आपका जो एथेनॉल होता है ना वो कमरे के ताप पर क्या होता है द्रव होता है, कमरे के ताप क्या होता है द्रव होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला नया प्रश्न की, अगला नया प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि सिरका में निम्न क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए सिरका में जो होता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो देखिए निम्न में जो है वह आपका ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन ये सभी कार्बन के अपरूप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, काफी बच्चे एक के बारे में जानते हैं तो क्या करते हैं एक पे टिक करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे आपका नंबर नहीं मिलेगा कट जाएगा, ऐसे में आप अगर जानते हैं अच्छे तरीके से और इनमें से सभी दिया होगा तो अधिकतर में इनमें से सभी ही आंसर होता है, बस ये आपका एक ट्रिक है याद करके रखिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इनमें से सभी आप टिक कर दीजिएगा।
आप भी चाहते हैं ऑनलाइन लर्निंग है आपको अपनी भाषा में सिखाए, तो आज आपको एक ऐसी बताने वाले हैं जो सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कराने का भरोसा दिलाता है। इसके लिए आज आपको हम डेली लर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे जो डेली हंट के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को लेकर ग्रामीण भागों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लर्न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोर्सेस उपलब्ध है जो काफी सारी फ्री है। साथ ही जेईई नीट की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं समावयी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो समावयी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर बिल्कुल ही धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और आपको पता है तो नीचे कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, और आपको वीडियो बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मजेदार लाजवाब शानदार है ना। चलिए अगला प्रश्न, बूझा हुआ चूना है, तो देखिए बूझा हुआ जो चूना होता है वो होता है CaOs का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। क्या होता है, CaOs का होल ट्वाइस होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है सभी का कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, भस्म यानी कि क्षार नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि NaCl आपको ऑप्शन दिया गया, तो NaCl तो आप सभी को तो पता ही है कि ये एक प्रकार के लवण है। क्या है, NaCl एक लवण है, यानी कि ये भस्म नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का जो अयस्क होता है वह जिंक ब्लड होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। क्या होता है बाबू, तो जिंक ब्लड होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा बहुत ही शानदार लाजवाब धमाल मचाने वाला कि सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन जो है वह एक प्रकार की उपधातु होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नवा प्रश्न की, तो अगला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है सभी का कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है बाबू, तो देखिए अल्कोहल में जो है वह नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ये चार ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा लाजवाब धमाल मचाने वाला है कि मैथोनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र बाबू क्या होता है, तो मैथोनोइक अम्ल का हमने आपको ऊपर ही बताया कि चींटी के डंक में मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, उसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, तो हमने जो बताया देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया। इसी तरीके से आप हमारे एक एक बातों को ध्यान देंगे तो आपकी जबरदस्त धमाल मचाने वाली तैयारी होगी, क्योंकि पिछले साल यह चैनल नंबर वन था और आज आपकी देन से यह फिर से नंबर वन बनेगा और आप लोग नंबर वन बनेंगे, ये मेरी वादा है। चलिए अगला प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या, बस मेरा आप साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं है ना, और जबरदस्त हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। कह रहे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी चाहिए। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर इनमें से सभी रहता है तो अधिकतर में इनमें से सभी वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नया प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है धमाल मचाने वाला कि मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू, तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है वह नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, किसके किया जाता है, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी के क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है, समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कह रहा है अगला कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, वह गतिशील जो कण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो विद्युत धारा जहां पर प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है, यानी कि वह हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न कह रहे हैं ओम का नियम क्या बाबू, और ओम का नियम पे हमने आपको एक स्पेशलिस्ट वीडियो बना दिया है, क्योंकि ओम का नियम आपके क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है, लिखिए सिद्ध कीजिए, तो हमने बना दिया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपस्थित है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी जबरदस्त वीडियो आती है जो आपके एग्जाम ही पूछे जाते हैं डायरेक्ट और कहीं पे भी नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम जो होता है वो वी बराबर आई आर होता है, क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है सभी का कि विभवांतर का ऐसी मात्रक बाबू क्या होता है, तो विभवांतर का जो ऐसी मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गलत स्टूडेंट किया है, यहाँ पे वाट नहीं होगा, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो देखिए अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वह बहुत छोटा होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है बाबू? तो विद्युत बल्ब का आपको तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे कि टंगस्टन का क्या हो जाएगा आपका आंसर? टंगस्टन का बना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बढ़िया और लाजवाब शानदार जबरदस्त मस्त बाबू आप लोग करना है, धमाल मचाना है कि रियल एस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो बाबू उसका उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न करके विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है बाबू? तो विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसे डी सी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर इसमें का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें फिगर जो होता है बड़ा दिखाई देता है, जिससे कि दाढ़ी के जो भी छोटे छोटे दाने ये होते हैं बाल होते हैं वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं दिखाई दे पाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि श्वेत प्रकाश वर्णपण में वर्ण कर्म जो होता है उसमें क्या होता है, जो बैंगनी रंग होता है उसका जो विचलन होता है सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बैजी नहीं पिनाला आपको पता है। ठीक है, वो जो सात रंग होते हैं सात रंग में किसका सबसे जो ज्यादा विचलित होता है? तो बैगनी का। सबसे कम किसका विचलित होता है आप नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस बच्चे को याद है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे धमाल मचाने वाला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? तो अनंत होती है बाबू। क्या होती है? अनंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने बाबू? तो वक्रता केंद्र पे रखना चाहिए। अगर वक्रता केंद्र पे हम लोग रखेंगे ऑप्शन सी होगा इसका, तो हम लोग का जो होगा वो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु के समान साइज का बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है आप सभी का यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न की तारे की टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो तारे की टिमटिमाने का जो कारण होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है वह कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/10 सेकेंड होता है। प्रति बोल दिए आप कीजिएगा, 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/10 यानी कि 1/10 सेकेंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा और हर्षित होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है? तो v बटे के u होती है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शनवहन उत्तक है? तो शनवनीय उत्तक जो होता है वह जाइलम होता है, ठीक है, और फ्लोएम भी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा, ए और बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते कर रहा है क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? तो देखिए वो विषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषण द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से याद करते चले जाइए। चलिए आपका और जाकर के परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। क्या होती है? वह यकृत होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बहुत ही जबरदस्त इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम जो होता है वह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है यह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। धमाल मचाने वाला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो देखिए वह कारण टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, यानी कि ए और बी जो होता है वह दोनों हो जाता है। क्या होता है? ए और बी दोनों होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न की, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बाबू? तो देखिए मानव जो हृदय में होते हैं वह 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अभी तक जितने भी बच्चे
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो, फटाफट से कर दो। चलिए अगला है रक्त क्या है। रक्त देखिए रक्त एक प्रकार की उत्तक होती है। क्या होती है? रक्त एक प्रकार की उत्तक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन जो शब्द है वह किसने प्रस्तुत किया था? जोहेंस ने किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर जो दिया गया ना वह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि तैलीय कागज होता है, तो तैलीय जो कागज है वह परभाषक होता है, यानी कि जो पारदर्शी या पारदर्शी या परभाषी होता है वह परभाषी होता है। क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी इसमें हम लोग प्रकाश को या फिर हम लोग इसमें क्या होता है आंशिक रूप से देख पाएंगे। अगला प्रश्न कहता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वह आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यात्रक यानी कि मात्रक विहीन होता है। काफी बच्चे इसमें काफी गलती कर देते हैं, तो याद करके रखिएगा कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक वह विहीन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार धमाल मचाने वाला कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो वह समान होती है। क्या होती है? समान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका लगभग समान होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी ये कह रहे हैं कि लेंस से में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है दो होती है, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, कि विद्युत का चालक कौन सा है। विद्युत का चालक क्या होता है बाबू? तो विद्युत का चालक चांदी है, इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो देखिए शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड जो बना होता है वह कार्बन का बना होता है। जस्ता का ना बनकर किसका बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न की परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं। विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए, जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद आगे पे क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चला जाना, और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट कहा है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न करें कि एक जूल का मान क्या होता है। तो देखिए एक जूल का जो मान होता है वह 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है बाबू? इसमें से ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पादप हार्मोन नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपका कमाल का धमाल का प्रश्न, लाजवाब का प्रश्न कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है बाबू? तो नर पुंकेसर होता है, ठीक है, और मादा क्या होती है? तो स्त्री केसर होता है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? यहां पे ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे को बहुत ही लाजवाब शानदार प्रश्न कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो देखिए जो इष्ट होता है उसमें द्विखंडन नहीं होता है। क्या होता है? इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य प्रकाश है। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार लाजवाब धमाल मचाने वाला है कि निम्नलिखित में किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जो जर्मंडल है उसको अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉर्मंडल को। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा क्वेश्चन के हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए हरे जो पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। धमाल मचाने वाला कमाल मचाने वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए नर युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए तो बाबू ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा हुआ है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो फटाफट से जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। और इसी तरह वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे फिर से काफी धमाल मचाने वाले क्वेश्चन के साथ। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के एस्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।